the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again Namaskar आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों अगर आप पीनट बटर नहीं खाते हो तो खाना शुरू कर दो एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद तो आप पक्का खाना शुरू कर देंगे आ, क्या है पीनट बटर क्यों जरूरी है और कौन सा ब्रांड एक अच्छा ब्रांड आपको हम आज हम बताएंगे पूरी जानकारी देखिए पूरा वीडियो देखिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और पीनट बटर जी हाँ पीनट बटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है बहुत अच्छा होता है टेस्ट में भी और हेल्थ के लिए भी नहीं उससे मोटे नहीं होते वो एक मिथ है उसमें फैट होता है बथेरा फैट होता है नियरली 50 परसेंट उसका फ़ैट होता है लेकिन वो हेल्दी फैट होता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे क्या है क्या नहीं है और इसके अंदर बहुत से असेंशियल वाइटाम्स होते हैं जो ना सिर्फ़ आपके हार्ट के लिए आपके आ, हेल्थ के लिए एजिंग के लिए और लिटरली डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्दी है ये बताया गया अगर आप पीनट बटर एक रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आपके डायबिटीज़ का रिस्क आपका 30 परसेंट तक कम हो जाता है सोचिए तो कितना बेनिफिशियल इसलिए सुनिएगा जरूर so पीनट बटर जो कुछ खतरनाक चीज नहीं होती है ये अनप्रोसेस्ड फूड होता है बस पीनट्स को भून के ग्राइंड कर दिया जाता है पेस्ट बना दिया जाता है ज़्यादातर पीनट बटर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको मार्केट में मिलेंगे उसमें शुगर एडेड होती हैं वेजिटेबल ऑयल्स एडेड होते हैं कुछ में ट्रांस फैट्स एडेड होती हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं इसलिए आज आपको एक हेल्दी प्रोडक्ट भी हम रेकमेंड करेंगे बहुत सारी शुगर और बहुत सारे उल्टे सीधे फ्लेवर्स उसको दिक्कत दे सकते हैं इसीलिए पीनट बटर एक एक प्योर फॉर्म में लेंगे नेचुरल फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है पीनट बटर का जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीनट बटर इन जनरल उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या है पीनट बटर के अंदर जो है एक अच्छा सोर्स है वो प्रोटीन का एक गुड फैट का उसमें काब्स कम होते हैं उसमें 15 से 20 ग्राम ही परसेंट 15 से 20 परसेंट तक ही काब्स होते हैं और उसमें अराउंड पच्चीस से अट्ठाईस तक प्रोटीन होता है अट्ठाइस परसेंट तक और अराउंड फिफ्टी परसेंट उसमें हेल्दी फैट होता है ऑल्दो पीन पीनट बटर में पच्चीस परसेंट से अट्ठाइस परसेंट इज अ गुड हेल्दी रिच प्रोटीन सोर्स लेकिन उसमें जो है एक असेंशियल अमाइनो एसिड मिथो मिथियोनिन थोड़ा सा लो होता है बिकॉज अल्टीमेटली पीनट्स क्या है पीनट्स भी तो ग्रेन्स में आ गया ना दालों में आ गया ना वहाँ पर उस कैटेगरी में आ गया तो वो कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उसमें मिथायोनिन थोड़ा कम है और दूसरा मिथायोनिन ज़्यादा आता है रोटी और चावल में वो तो आप खाते ही हो दबा के सो so, पीनट्स जो है लेग्यूम फैमिली से आता है इसीलिए यहाँ पर आता है और लो मिथायोनिन के बच के जो आप ऑल्टरनेट दालें लेते हो रोटी चावल ले लेते हो वो उसमें मिथायन ज़्यादा है अब ये लोकाब है तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है डायबिटीज़ वालों का रिस्क ये ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट कम कर देता है अगर हफ्ते में आप पांच बार भी पीनट बटर खा लो तो जी हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर और इंपॉर्टेंट हेल्दी फैट्स है फैट इसमें 50 परसेंट है मतलब 100 ग्राम पीनट बटर जो है 500 से ज्यादा कैलोरीज खा हो जाएगी लेकिन आधे से ज्यादा इसमें ओलाइक एसिड नामक मोनो फैट है जो कि जिसमें ऑलिव ऑयल हाई अमाउंट्स का जो उसमें ऑलिव uh, ऑयल में भी मिलता है तो ये एक अच्छा हेल्दी बेनिफिट्स हैं इसके इंसुलिन सेंसिटिविटी कम करता है सेंसिटिविटी बढ़ाता है हार्ट uh, के लिए हेल्दी है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके और साथ ही इसके अंदर कुछ मात्रा में ओमेगा सिक्स फैटी एसिड है जो बाकी के वेजिटेबल uh, ऑयल्स में भी है सो so, इसकी थोड़ी सी लोगों को डाउट रहता है कि ओमेगा सिक्स की वजह से ये कहीं थोड़ा रिस्की ना हो लेकिन जो रिसर्च है रिसर्च इसको प्रूव करते हैं कि नहीं ओमेगा सिक्स हाई फैट कंटेंट होने के बावजूद माइल्ड टू मॉडरेट मॉडरेट इनटेक में ये हेल्दी है आपके लिए बस और इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन विटामिन ई बी थ्री बी सिक्स फोलेट मैग्नीशियम कॉपर मैग्नी और मैंगनीज ये सारे वाइटामिन हैं जो कि ना सिर्फ आपको न्यूट्रिशन देंगे प्रोटीन देंगे बल्कि बहुत बढ़िया हेल्दी फूड बन जाता है ये एंटी हैं इसमें भर भर के जैसे पीनट बटर के अंदर पी कोमरिक एसिड नामक एंटीऑक्सीडेंट है जो आर्थराइटिस जैसी बीमारी में भी आपका रिड्यूस करेगा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस को कम करता है रिसवेराटोल रिस्वेराट नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके बहुत सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं जो देखने में मिल रहे हैं और साथ ही इसमें कई सारे एफ्लाटॉक्सिन्स हैं एफलाटॉक्सिन जो हैं ये आ, न्यू इसमें जो एफलाटोक्सिनस होते हैं ना ये बेसिकली एक टाइप ऑफ मान लीजिए टॉक्सिन होता है लेकिन पीनट बटर तो न्यूट्रिशन है उसमें टॉक्सिन क्या पीनट बटर जो है अंडर द ग्राउंड ग्रो करते हैं उस अंडर द ग्राउंड में कई बार एस्परजिलस नामक फंगस हो सकते हैं मोल्ड हो सकते हैं जो कि एफलाटॉक्स प्रोड्यूस करते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं कैंसर भी कर सकते हैं इसीलिए इन पीनट्स का प्रोसेसिंग पीनट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए अच्छे क्वालिटी के पीनट्स अगर ग्राइंड करके आप बनाते हैं तो पीनट बटर बेस्ट होता है वरना एफलाटोक्सिन का एक रिस्क होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है जो इसीलिए जो लो क्वालिटी पीनट बटर्स हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एफ्लाटॉक्सिन जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं ये लो क्वालिटी वाले इसमें होते हैं ओवरऑल पीनट बटर आप के बहुत सारे बेनिफिट्स करेगा वेट लॉस के लिए बहुत हेल्दी है ऑल उसमें हाई फैट है लेकिन एक मॉडरेट दो चार चम्मच अगर पीनट बटर आप खाते हैं रोज भी तो वो आपके लिए हेल्दी है कम ही खाना हो हार्ट हेल्थी है हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैंसर रिस्क वो ओवरऑल कम करता है बिकॉज ऑफ विटामिन ई एंड अदर वाइटामिन विटामिन ई कैंसर के रिस्क कम करता है हेल्दी सोर्स रिच सोर्स है अल्जाइमज डिजीज न्यूरो जनरेटिव डिजीजेस के लिए काम कर चुका है गोल्फ स्टोन्स में भी ये प्रिवेंट करता है जी हाँ गोल्फ स्टोन एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं गोल्ड और पीनट बटर जो है वो कॉल स्टोन का रिस्क 25 परसेंट तक कम कर सकता है स्टडीज में देखा गया क्योंकि वो आपके अंदर का जो एल है बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है पीनट बटर जी हां डायबिटीज का रिस्क जैसे मैंने बताया 20 टू 30 परसेंट सिर्फ दो चम्मच पीनट बटर पांच दिन भी खाएंगे डायबिटीज का रिस्क आपका पच्चीस से तीस परसेंट तक कम होगा रिसर्च में देखा गया है बोन हेल्थ को वो प्रमोट करता है प्रोटीन सोर्स है बहुत स्ट्रांग बोन्स के लिए और बॉडी बिल्डर के लिए भैया वो तो लेते ही है हमेशा दो चम्मच से लेके लेके ज्यादातर दो चम्मच में आपको आठ ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा दो ग्राम फाइबर मिल जाएगा दो मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा आधा ग्राम आपको उसमें आयरन मिल जाएगा चौबीस माइक्रो मिलीग्राम फोलेट मिल जाएगा एक कैलोरी कैलरी मिल जाएगी तीन ग्राम शक्कर मिलेगी वो नेचुरल शुगर तो एक बॉडी बिल्डर के लिए एक बहुत इंटेंस वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत जरूरी एस्पेक्ट है ये प्रोटीन का और हेल्थ का न्यूट्रिशन का पीनट बटर तो आज आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर आए हम पीनट बटर का जो है अमाइनो पीनट ये मसल नेक्टर ने अमाइनो पीनट बनाया है अमाइनो पीनट का क्या मतलब कि अमाइनो पीनट का मतलब यह है कि इस पीनट बटर को एक हाई क्वालिटी पीनट विदाउट एनी एफक्सिन विदाउट एनी एडल्टरेशन के इसमें नो प्रिजर्वेटिव विदाउट एनी हाइड्रोजेनेटिव ऑयल कोई शक्कर ना डाले कोई uh, शुगर नहीं डाली है इसमें इसको करके बनाया है और इसमें एक एक जितने अमाइनो एसिड्स उस प्रोटीन के अंदर मौजूद है उसकी क्वांटिफिकेशन इन्होंने करके आपको दी है अमाइनो एसिड प्रोफाइल बताया है इसके साथ इसमें आपको असेंशियल अमाइनो एसिड 10 ग्राम मिलेंगे 3.7 ग्राम बी सी डबल ए और एल ग्लूटामिक एसिड भी मिलेगा 3.5 पॉइंट ग्राम्स ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्ग्रीडियंट है ड्राई रोस्टेड पीनट्स हाई क्वालिटी पीनट्स जिनकी क्वालिटी भरपूर मेंटेन की गई है इस प्रोडक्ट के अंदर बढ़िया टेस्ट है इसको दो फ्लेवर में बनाया उन्होंने ऑल नेचुरल पीनट बटर ये क्रीमी वर्जन है और एक और इनका वर्जन है क्रंची तो मैं तो क्रंची बड़ा लाइक कर रहा हूं क्रंची वाला क्रंचीनेस उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा है तो आप भी ट्राई करिए इसके हम लिंक नीचे दे देंगे पीनट बटर याद रखिए पीनट बटर वो लें जिसमें आप Uh, जिसके अंदर और कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट uh, ना हो सिर्फ पीनट्स हो और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हो कोई प्रिजर्वेटिव ना हो और खासकर इसके अंदर थोड़ा अगर आप दूसरे पीनट बटर से कंपेयर करेंगे तो उनकी प्रोटीन का जो कम कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है शुगर का कंटेंट थोड़ा कम है एज़ कंपेयर टू अदर पीनट बटर्स तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट इसका लिंक हम नीचे दे, दे देंगे आप इसको बाय कर सकते हैं बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स के चक्कर में मत जाइएगा कभी कभी सस्ते के चक्कर में वहां पर वो क्वालिटी लो कर देते हैं तो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट इसको लीजिए ट्राई करिए और सिर्फ अगर आपको पीनट से एलर्जी है तब फिर आप इससे दूर रहेंगे बाकी कोई टेंशन नहीं है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी